match, the big one. Shah Jahan Khan, USA ranked number one and fifth seed in the tournament, versus Tayyab Aslam, Pakistan's highest ranked player in this competition. Shah Jahan Khan, jo USA ko represent kar rahe hain, lekin unki pedaish Quetta mein hui and has strong roots. Bravo. And we'll start off with Tayyab Aslam to serve. Love all. Down and out. One ball. Aur pehla point, Shah Jahan. Ek unforced error from the back of the court by Tayyab Aslam. बहुत ही खूबसूरत ड्रॉप शॉट यहां पर, एक अच्छा ट्रिकल बूस्ट खेला तैयब ने, एक खूबसूरत शॉट खेला फ्रंट कोर्ट से, बड़ा क्विक इस बॉल पर गए हैं तैयब असलम। मुझे पता है कि थोड़ा सा कबलज वक्त है ये कहना, लेकिन दोनों प्लेयर्स एक दूसरे की लाइन से बिल्कुल हट कर खेल रहे हैं, क्लियर पास दे रहे हैं अपने अपोनेंट्स को। अभी तक शुरू के दोनों पॉइंट्स में हमने वाली एक चीज़ देखी, दोनों की मूवमेंट ऑन द कोर्ट सीम्स अ लॉट मोर कंफर्टेबल। और एक और बहुत ही खूबसूरत शॉट तैयब का, और तैयब हैज़ नाउ टेकन अ लीड। इट इज़ जस्ट, ये आप देख सकते हैं कुछ हाईलाइट्स फ्रॉम व्हेन दे वर वार्मिंग अप। दोनों बहुत थोड़ा सा मोहतात अंदाज से तो स्टार्ट किए दोनों ने, लेकिन कोर्ट पे काफी कंफर्टेबल लग रहे हैं। अभी ये स्टार्ट है, थोड़ा सा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कुछ थोड़ा सा फिजिकल कांटेक्ट होगा, क्योंकि दोनों प्लेयर की स्पीड बहुत है बॉल पर। और एक और ड्रॉप शॉट, तो इस वक्त तैयब काफी हद तक एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो डेफ टचेस हैं उनके साथ थोड़ा सा शाहजहां को कॉर्नर में, लेकिन अगेन अर्ली डेज। लेकिन कल जो हमने देखा था कि जो तैयब ने कल स्टार्ट किया था उसके अंदर हर बॉल पे उन्होंने लग रहा था अपनी पूरी जान मारी है, लेकिन इस दफा आपको काफी हद तक वो एक स्पेसिफिक गेम प्लान के साथ नजर आ रहे हैं, कि जहां पर वो कोशिश कर रहे हैं कि शाहजहां को पीछे खिलाएं। लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत वॉली इधर शाहजहां की इन द कॉर्नर टू एक्सट्रैक्ट दैट पॉइंट। तो आपको नजर आ रहा है कि काफी हद तक वो आराम आराम से पीछे खिलाने की कोशिश कर रहे हैं शाहजहां। थोड़ा दोनों प्लेयर जो है थोड़ा सा मीडियम पेस पे खेल रहे हैं कि एनर्जी सेफ रहे, क्योंकि मैच उड़ा आएगा एक्सपेक्ट के थोड़ा सा लंबा जाएगा। और दोनों प्लेयर्स जो हैं सेंटर कोर्ट से अच्छा अटैक कर रहे हैं, आपने जितने प्रीवियस पॉइंट देखे हैं अच्छे ड्रॉप अच्छे वॉली शॉट्स खेली हैं इन्होंने, तो दोनों प्लेयर्स तकरीबन काफ़ी सेफ खेलने की कोशिश करेंगे। एक और खूबसूरत ड्रॉप शॉट, लूज बॉल मिला शाहजहां खान को और अच्छा यूज किया उस लूज बॉल का। Five, three.
एक अच्छी रैली। आप दोनों प्लेयर्स को देख सकते हैं कि वो एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हैं पूरा कोर्ट, और अच्छी रिकवरी इधर तैयब की। गुड रैली जहां पर दोनों खिलाड़ी मौका ढूंढ रहे हैं अपने दूसरे प्लेयर को थ्रो करने के, लेकिन एक और लेट यहां पे मिला। मुझे लग रहा है तैयब वाज लुकिंग फॉर अ स्ट्रोक देयर। जी वो कहते हैं ये मुझे थोड़ा सा पुश किया और मेरा स्विंग रुका है जिसकी वजह से मैं रुका हूं, लेकिन इट वाज लेट, ये लेट ही बन सकता था। अकीन जगह नहीं थी तैयब के पास इस बॉल को खेलने का। और इस वक्त मैच रेफरी काशिफ थोड़ा सा अब सख्ती से बात करते हुए इनसे कि कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि जैसा कि सजाद ने कहा था कि वो तो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब लड़ाइयाँ शुरू हों। अभी अभी उस नौयत की लड़ाइयाँ शुरू हुई नहीं है। अभी जो हम कल देख चुके हैं बर्नार्ड जॉमी वाली सिचुएशन, अभी वहाँ तक हम पहुँचे नहीं हैं। नहीं, वो सिचुएशन इसमें नहीं आएगी। ये थोड़ा आर्ग्यू करते हैं सिर्फ पॉइंट्स पर, अननेसेसरी दोनों प्लेयर नहीं बोलते, क्योंकि आई नो देम व्हेन दे वर प्लेइंग जूनियर। तो दोनों प्लेयर इतना नहीं, थोड़ा बहुत आर्ग्यू होता ही है, क्योंकि ये स्क्वाश है, छोटी जगह है, तो फिजिकल कांटेक्ट इसमें नॉर्मल है। एक अच्छा टैक्टिकल प्ले हमें देखने को मिल रहा है इस गेम में। ये लाइन में थे, आई थिंक दैट्स अ गुड डिसीजन। Yeah, because the ball was too short in the front court, so that's why the referee was ज़्यादा sure नहीं थी stroke के लिए, तो it was let. थोड़ा सा शाहजहान खान ने speed accelerate की है थोड़ी सी, और एक अच्छा खूबसूरत shot center court से खेला। लेकिन तैयब अच्छी रिकवरी करते हुए, और इसके साथ एक अनफोर्स्ड एरर की वजह से तैयब को पॉइंट मिला। तैयब की अच्छी रिकवरी थी वहां पर, क्योंकि शाहजहां डोमिनेट कर रहे थे, लीड कर रहे थे उस पॉइंट को। थोड़ा सा मैं ये देख रहा हूं कि तैयब थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं और शाहजहां थोड़ा स्टेबल है सेंटर कोर्ट में, तो तैयब को थोड़ा सा उनको हिलाना पड़ेगा सेंटर से। आउट हो गया यहाँ पर, जिसके साथ यहाँ पर तैयब को पॉइंट मिला। तैयब ने बहुत अच्छा खेला ये वाला पॉइंट, उन्होंने पूरे हर जगह पर एक्सप्लॉइट किया शाहजहां को, और शाहजहां के पास कोई ऑप्शन नहीं हो रही थी बल्कि सिवाय इस बात के कि वो लॉब्स या लॉब्ड शॉट्स मारे दें पीछे तैयब को पीछे जाने के लिए। लेकिन इनकी मूवमेंट इस पॉइंट पर बड़ी अच्छी थी कि ही स्टेड इन द सेंटर प्रेडोमिनेंटली। बिल्कुल, जिस प्लेयर ने भी सेंटर पे कंट्रोल कर लिया तो वो उसको थोड़ा सा ज़्यादा एज होता है, पॉइंट्स लेने के ज़्यादा चांसेस मिलते हैं। Six.
आई नो कि आपको शाहजहां की शर्ट के पीछे यूएसए नज़र आ रहा है, लेकिन स्ट्रॉन्ग रूट्स इन पाकिस्तान में आपको पहले भी बता चुका हूँ, और जैसे कि आपको सजा ने बताया कि इनके वालिद साहब भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। काफ़ी क्लोज कंपटीशन जा रहे हैं इस वक्त, सख्त मुकाबला पहली गेम में, 7 ऑल 7-7 की बराबरी पर। एक अच्छा सेंटर से शाहजहां का अच्छा अटैक लूज बॉल पर। ये सारी फैमिली बड़े बड़े टैलेंटेड प्लेयर इनके रह चुके हैं, शाहजहां के चाचा हैं जुबैर जहां, हिदायत जहां, सरक जहां, ये सारे बड़े अच्छे प्लेयर रह चुके हैं पाकिस्तान स्क्वाश में। Another good rally जहां पर दोनों प्लेयर्स एक दूसरे को स्ट्रेच करते हुए। और ये अच्छी डिसीजन थी क्योंकि यहां पर काफी हद तक इंटरफेरेंस आ गई थी, तो गुड स्ट्रोक अवॉर्डेड टू तैयब असलम। बिल्कुल क्लियर नहीं कर सके शाहजहां और बॉल उनके ऊपर आया, बड़ा फिट डिसीजन, और रेफरी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसको स्ट्रोक देने में। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों का भी इस वक्त एक्साइटमेंट लेवल बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे ये गेम बढ़ रही है। यहाँ पर तैयब ने एक बहुत अच्छी शॉट मारी बिल्कुल 10 के साथ करके, लेकिन यहाँ पर अनफोर्स्ड एरर की वजह से ही हैज गिवन द पॉइंट। बड़े अनलकी रहे, बॉल लकीली निक हो गया इस जगह पर। नौ दोनों खिलाड़ियों ने पॉइंट लिए हुए हैं। बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल है पहली गेम में। दिस हैज बीन अ गुड एंड फैसिनेटिंग गेम, और अनफोर्स्ड एरर के साथ गेम बॉल मिला है इस वक्त तैयब को। तैयब विल नाउ बी सर्विंग फॉर द फर्स्ट गेम। अगर यहां पर कैपिटलाइज कर लेते हैं तो एकदम से शाहजहां पे काफी ज्यादा प्रेशर पड़ जाएगा, बिकॉज यहां पर तैयब के पास पूरी अपॉर्चुनिटी है इस मैच के लिए टोन सेट करते हुए। तैयब कोई तीसरी दफा अपने तस्मे बांधते हुए, ये थोड़े से अभी इतनी तो थकावट नहीं हुई होगी, कभी ढीले हो जाते हैं शू लेस जो है, लेकिन ये काफी हद तक गेम्समैनशिप थी। चाहे बेशक वो थकावट ना हुई हो, लेकिन आई थिंक वो थोड़ा सा वो लेना चाह रहे थे। और तो ये बॉल के लिए जा रहे थे तो उन्हें इसलिए ये लेट अवार्ड हो गया। जगह नहीं मिली क्योंकि अगर ये इस पे रश करते तो ये मिस्टेक भी हो सकती थी, तो एक अच्छी उनकी एक टैक्टिस थे कि वो रुक गए इस बॉल पर और लेट क्लेम किया। ओ एक खूबसूरत वॉली निक, और बड़े क्रूशल टाइम में शाहजहां खान ने खेला बहुत ही खूबसूरत शॉट। बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न था ये, और अब वी आर बैक एट लेवल प्लेइंग फील्ड, 10 ऑल। बड़ा अच्छा शॉट था सेंटर कोर्ट से, बड़ा डीप खेला शाहजहां खान ने, 11-10, और बड़ा अच्छा उसको बड़ी एफर्ट की तैयब असलम ने, लेकिन बहुत डीप शॉट था ये। और अब शाहजहां खान विद गेम बॉल,
11-10. और जल्दी की तैयब असलम ने लूज बॉल मिला था और इस अनफोर्स्ड एरर की जिस तरह आपको भी बताया कि ये लूज बॉल था जहां पर आप देख सकते हैं एरर हुआ एंड ही इज हिट इट डाउन ऑन द टेन और इसके साथ शाहजहान खान पहली गेम जीतने में कामयाब लीडिंग द मैच अगेंस्ट तैयब असलम 1-0. थोड़ा सा ब्रेक में कई दफ़ा म्यूजिक चल रहा होता है थोड़ी देर वज़र ज़्यादा प्ले हो जाते तो उसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन हो रही थी तो वी वर वेटिंग फॉर द म्यूज़िक टू एंड और अब स्टार्ट हो गया और ना सिर्फ म्यूज़िक वहाँ पर तो एंड कर गया लेकिन सजाद ऑन द कोर्ट म्यूज़िक अब स्टार्ट हो चुका हुआ है. आप सुन सकते हैं जिस खूबसूरती से ये आगाज़ हुआ है. तैयब ने अच्छी सेटअप किया था. बहुत कंसिस्टेंट है शाहजहान खान. कितनी अच्छी उनकी पिकअप्स थी. काफ़ी टाइट बॉल खेली बैक टू बैक तैयब ने. ओ एक खूबसूरत शॉट बहुत ही डीप खेला तैयब ने. लेट की कॉल की लेकिन नो लेट ओवर हियर. तो तैयब हैज मेड अ स्ट्रॉन्ग स्टार्ट. तैयब थोड़े से डिसअपॉइंट होंगे कि उन्होंने एक गेम बॉल अपॉर्चुनिटी वहां पे लूज की थी लेकिन शाहजहां के रिटर्न्स स्पेशली वो जो 9-10 वाली सिचुएशन पे था जो उन्होंने गेम बॉल जहां पे प्रोटेक्ट किया है वो मैच को चेंज कर दिया था. लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त शॉट यहाँ पे शाहजहां की. शाहजहां ने अपने आप को परफेक्टली सेटअप कर दिया था ताकि डीप कोर्ट में पॉइंट ले. एक अनफोर्स्ड एरर यहां पर. अच्छा स्टार्ट तैयब असलम का. जो गेम शुरू हुई बैक टू बैक 3 पॉइंट्स जीते तैयब ने और एक और अच्छा खूबसूरत शॉट. ये प्रोबेबली सबसे कन्विंसिंग रिटर्न आया और एकदम शाहजहां ने भी कहा कि ईट का जवाब पत्थर. बिल्कुल बैक हैंड से खेला शाहजहां ने तैयब और एक और उसका जवाब तैयब ने भी दे दिया. बैक हैंड से स्मैश शॉट खेला. चलें शुक्र है कोई हैवी आर्टिलरी आई है वरना पहले तो कंकर ही कर रहे थे. ये एक एरर थोड़ा सा जल्दी खेलना चाहते थे इसको और 10 पे लगा बॉल. लेकिन अ हेल्दी एक्सचेंज ऑफ गुड स्ट्रोक्स बिटवीन द टू प्लेयर्स. मैं तो अभी तक तो पिछले कुछ विनर्स में ही फंसा हुआ. बहुत खूबसूरत शॉट. अच्छा ट्रिकल बोस्ट खेला. बिल्कुल चांस नहीं मिला शाहजहां खान को इस शॉट को रीड करने में और खूबसूरत शॉट तैयब असलम का. और जितना मोहतात अंदाज से पहली गेम का ये गेम ऑलरेडी 11 पॉइंट्स इनटू इट. पेस इस मैच में बढ़ते हुए. अच्छी एफर्ट शाहजहां खान की. बड़े डीप शॉट. नो लेफ्ट
का रिट्रीव किया बैक टू बैक थ्री टाइम्स, और ये मुझे लग रहा था कि दिस वुड बी तैयब्स पॉइंट, मतलब ये जिस तरीके से नासिर शाहजहां ने रिकवरी की, आई थिंक दो मौके ऐसे मिले थे, ये रैली हम आगे चल के दिखाएंगे, सो दो मौके ऐसे मिले थे तैयब को जहाँ पर तैयब विन कर सकते थे ये पॉइंट, आई थिंक उनकी शॉट सिलेक्शन थोड़ी सी गलत हो गई। अच्छी स्पीड है शाहजहां खान की, तो थोड़ा सा ये है कि तैयब को जल्दी करनी पड़ती है और उसमें फिर मिस्टेक्स हो जाती हैं तैयब की। लेकिन यहाँ पर तीन पॉइंट्स के साथ तैयब ने स्टार्ट किया था, शाहजहां इज बैक इन द गेम। बहुत खूबसूरत शॉट, बहुत ही खूबसूरत अटैकिंग शॉट, बड़ा क्विकली उस पे रिएक्ट किया और शाहजहां खान को बिल्कुल मौका नहीं मिला इस ड्राइव शॉट जो फ्रंट से खेली, बहुत ही खूबसूरत शॉट तैयब असलम का। और ये आपने रिप्ले में देखा भी कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी बैक हैंड से उन्हें पुश किया पीछे, तैयब नाउ लुकिंग अ लॉट मोर कंफर्टेबल ऑन द कोर्ट। बहुत अच्छी शॉट, थोड़ा सा गेम प्लान जो है चेंज किया है तैयब ने, थोड़ा सा क्विक हो गए हैं कंपेयर टू फर्स्ट गेम, और बड़ी अच्छी स्पीड है तैयब असलम की। इनके कोच हैं अब्दुल रशीद जो इनके अंकल भी हैं, बिल्कुल उन्हीं के स्टाइल से खेलते हैं, काफ़ी अटैकिंग शॉट्स के माहिर हैं ये। एक खूबसूरत वॉली ड्रॉप, बड़ा क्विक रिएक्ट किया इस बॉल पर, और अब रेफरी का फैसला देखना पड़ेगा। ओह डियर, इट वाज अ लेट बिकॉज द रेफरी इज नॉट श्योर अबाउट दिस बॉल, बट आई थिंक इट वाज अ गुड बॉल, इट वाज इट्स लुक द पिकअप वाज गुड बट द रेफरी वाजंट श्योर। ये थोड़ा सा ना, मतलब ये इस टाइप की जब आपको एज ए प्लेयर लगता है कि शायद डिसीजंस आपके खिलाफ जा रही हैं, तो दैट कैन प्ले अ पार्ट ऑन योर परफॉर्मेंस। बहुत खूबसूरत ड्रॉप शॉट, खूबसूरत शॉट शाहजहां खान को, अच्छा रिट्रीव तैयब असलम का, बड़ी स्पीड से फुल एनर्जी के साथ, और एक और खूबसूरत अटैकिंग शॉट, दैट वाज अ ब्यूटीफुल रैली, बड़ी खूबसूरत शॉट खेले दोनों प्लेयर्स ने, और ये एक लूज बॉल मिला तैयब असलम को। और अब तैयब असलम तीन गेम बॉल्स के साथ, इसमें एक बॉल पर अपील जरूर की थी शाहजहां ने उसकी उसकी पिकअप पर, लेकिन रेफरी ने कहा कि इट वाज अ गुड बॉल। नाउ वी हैव थ्री गेम बॉल्स, और इसके साथ तैयब असलम हैज सिक्योर्ड द सेकंड गेम, और वी आर नाउ वेयर नेक टू नेक विद दीस टू वंडरफुल एथलीट्स, शाहजहां खान फ्रॉम USA won द फर्स्ट गेम, लेकिन तैयब असलम पाकिस्तान के हाईएस्ट रैंक प्लेयर इन दिस टूर्नामेंट हैज सिक्योर्ड द सेकेंड गेम। कुछ पॉइंट्स आपको दिखाते हैं जरूर इस गेम से, क्योंकि बहुत ही दिलचस्प एक्सचेंज हुआ था दोनों स्ट्राइकर्स की तरफ से, लेकिन पहले लेट्स जस्ट हैव द कॉन्फर्मेशन ऑफ द स्कोर ऑन द स्क्रीन। ये आप देख सकते हैं कि पहली गेम शाहजहां खान जीते 12-10 से, लेकिन तैयब असलम 11-7 से दूसरी गेम जीत कर इस कंपटीशन में वापस। वक्त हो रहा है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वील ब्रिंग यू मोर लाइव एक्शन, देखते रहे ए स्पोर्ट्स, वील बी राइट बैक। तो तवक्कोआत पर तो पूरा उतर है, बिल्कुल फिटनेस लेवल दोनों प्लेयर्स का बहुत अच्छा है। यहां पर बात बनेगी शॉट सिलेक्शन की, किस जिसकी भी स्ट्रोक सिलेक्शन ठीक होगी ही विल विन द मैच। बैक टू बैक दो खूबसूरत शॉट तैयब असलम के। तैयब ने अपनी पूरी रेंज ऑफ शॉट्स पिछली दो गेम्स में अपनी दिखा दी है, उन्होंने जिस तरीके से
क्रॉस कोर्ट मारी है, जिस तरीके से उन्होंने ड्रॉप वॉलीज मारी है, एक और ये देखें, मतलब सेटअप किया अपने आप को खूबसूरत अंदाज में यहाँ पर, लेकिन गुड रिकवरी बाय शाहजहां, लेकिन यहाँ पर आपको इस बहुत ऊंची आवाज़ से समझ आ गई कि उन्हें खुद एहसास हुआ है कि उन्होंने यहाँ पर अनफोर्स्ड एरर मार दिया। Down and out, 3-2. कोई नी में इशू लग रहा है इस वक्त तैयब का, कि ये टैक्टिकल नहीं हो सकता क्योंकि अभी वो रिफ्रेश आए हैं, कोई जेन्युइनली उनका कोई नी के यहाँ पर इशू नजर आ रहा है। 3-2. क्रॉस कोर्ट शॉट था शाहजहां का, ये बहुत अच्छी वॉली थी, थोड़ी ऊंची थी, ड्रॉप वॉली ड्रॉप खेलना चाहते थे और बॉल 10 पे लगा। 4-3, बैक टू बैक अच्छे पॉइंट, अच्छे स्ट्रोक्स देखने को मिल रहे हैं इस वक्त। एक और अच्छा काउंटर शॉट फ्रॉम द सेंटर कोर्ट शाहजहां खान का। अनफोर्स्ड एरर यहाँ पर, पूरा कोर्ट उनके डिस्पोजल पे था, पूरा टाइम था उनके पास जल्दबाजी की, एंगल एंगल चेंज की असल में, ये इनको बिल्कुल स्ट्रेट शॉट खेलना चाहिए था, पूरा कोर्ट खाली था। ओ ये एक अच्छा शॉट, नो लेट होगा, सेंटर से अच्छा अटेम्प्ट किया इसको, अच्छा एंटिसिपेट किया इस बॉल को, खूबसूरत वॉली ड्राइव। Shahjahan leading in the third game, 6-4. बहुत खूबसूरत ड्रॉप शॉट तैयब का, बहुत ही खूब उन्होंने अपनी बॉडी ओपन की ताकि वो प्रॉपर तरीके से एक्सप्लॉइट करेंगे। देखिए परफेक्ट एंगल फॉर यू टू सी दिस पॉइंट, यहाँ पर हैट्स ऑफ टू आवर प्रोडक्शन टीम एंड द कैमरा क्रू फॉर कैप्चरिंग दीज परफेक्ट एंगल्स। अगेन एक खूबसूरत वॉली ड्राइव तैयब असलम का, काफ़ी मूव होना पड़ा शाहजहां खान को इस रैली में। गुड रिकवरी देर बाय तैयब। अभी भी मुझे काफ़ी क्लीन गेम नज़र आ रही है दोनों की, मतलब इतना हम नहीं देख रहे ऑब्स्ट्रक्शन जितनी एक्सपेक्ट शायद मैं कर रहा था। बिल्कुल, दोनों प्लेयर्स ज़्यादा फ्रंट पे नहीं खेल रहे, फ्रंट में थोड़ा सा फिजिकल कांटेक्ट होता है, दोनों प्लेयर बहुत सेफ गेम खेल रहे हैं और बड़ी अच्छी क्लियरेंस है दोनों की। तैयब नाउ फ्रॉम 4-6 डाउन, नाउ इज लीडिंग 8-6 इन दिस गेम।
कल के तैयब असलम में और आज के तैयब असलम में बहुत वाजे फ़र्क नज़र आ रहा है आपको उनकी गेम प्लान में, उनकी मूवमेंट में, उनकी अप्रोच में काफ़ी ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं ड्रॉप शॉट्स पर। ये देखिए एक और फिर लिख लिए, तो दिस वॉज गुड गुड पॉइंट फॉर शाहजहान। आई You're going to the player, ball is there, you should take your direct access to the ball. No, please stay on. तैयब कंप्लेन कर रहे हैं कि मेरे रास्ते में आए हैं शाहजहां, लेकिन रेफरी का डिसीजन था कि बॉल दूर भी बहुत थी और एक बहुत खूबसूरत वॉली ड्रॉप शाहजहां खान का, 8 all। Yes, leg. ये स्विंग इफेक्टेड था, सेफ्टी पर लेट मिला तैयब असलम को। बहुत ही कांटेदार मुकाबला दोनों खिलाड़ियों के बीच में, इस वक्त दोनों खिलाड़ी 8-8 की बराबरी पर। तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत वॉली स्मैश शाहजहां खान का। थोड़ा सा लूज वॉली थी, ये लॉब शॉट था, उसको अच्छा उछल के खेला शाहजहां खान ने। सीसॉ गेम दिस वन, शाहजहां ने लीड के साथ स्टार्ट किया था, उसके बाद बहुत अच्छी रिकवरी की थी तैयब असलम ने, तैयब लीड में चले गए और अब शाहजहां वापस लीड में, तो अ प्रॉपर सीसॉ गेम ऑफ स्क्वॉश। बहुत ही खूबसूरत ये, इसको बिल्कुल जज नहीं हुआ शाहजहां खान को, ये शॉट ये देखें बड़ा अच्छा शॉट खेला, एंगल को चेंज किया तैयब असलम ने। We're back to level scores, 9-all. अच्छा रिक्लेट किया वहां पे तैयार, कोशिश करते तो लेट सी कर सकते थे वहां पर। अच्छा किया इस बॉल पर चले गए क्योंकि थोड़ा सा रूम मिला और उस बॉल को खेल दिया। एक और अच्छी रैली हमें देखने को मिल रही है यहां पर दोनों खिलाड़ियों के दरमियान और यहां पे सेफ्टी पर, अगेन जस्ट लेट गिवन देयर फॉर सेफ्टी रीजंस। अच्छी डिसीजन यहां पर काशिफ की, बिल्कुल अच्छा डिसीजन था क्योंकि थोड़ा सा डेंजरस हो सकता था अगर। बहुत जल्दी की इसी बॉल मिल गया था शाहजहां खान को और बड़ा क्रूशल टाइम में मिस्टेक की और तैयब का गेम बॉल। ना सिर्फ इजी बॉल था बल्कि लूज बॉल था, मतलब आराम से शाहजहां इसे एक्सप्लॉइट कर सकते थे और बैक फुट पे भेज सकते थे तैयब को, लेकिन इट वर्कड आउट इन तैयब फेवर। तैयब नाउ सर्विंग फॉर द गेम, विल ही बी एबल टू टेक द लीड नाउ। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा दिलचस्प मुकाबला, लेकिन बहुत ही अच्छी वॉली यहाँ पर, अच्छी खूबसूरत शॉट खेली शाहजहां ने। बॉल को थोड़ा सा डिले किया, ऊपर से खेलना चाहते थे, थोड़ा सा डिले करके खेला और परफेक्ट शॉट शाहजहां खान का।
We're tied at 10-10 in the third game. Oh dear. Lucky point आ गया शाहजहान खान के पास, बड़ा क्रूशल टाइम में बड़ी किस्मत से बॉल ने बैक कोर्ट के ग्लास की हेच को लगा और इस वक्त शाहजहान नाउ ट्राइंग टू विन दिस गेम 11-10 की लीड पर. खूबसूरत ड्रॉप शॉट, अच्छा पोस्ट शॉट खेला था तैयब असलम ने, लेकिन वहां पर बिल्कुल रेडी थे इस शॉट के लिए शाहजहान खान. अच्छा फुल स्ट्रेच के साथ तैयब ने बड़ी अच्छी एफर्ट की इस पे, लेकिन द शॉट वाज टू गुड फॉर तैयब असलम. और इसके साथ शाहजहान खान विंस द थर्ड गेम और मैच में 2-1 से बढ़तरी इस वक्त. इस वक्त चौथी गेम का आगाज हो रहा है. लव ऑन शाहजहान खान टू सर्व एंड तैयब नाउ यहां पे स्लिप हुए हैं और कोर्ट सर्विस थोड़ा सा स्लिप हुए यहां पर, थोड़ा सा अनबैलेंस हो गए थे शाहजहान खान. कोर्ट सर्विस हो रही है यहाँ पर. लेट्स हैव अ लुक एट दिस पॉइंट अगेन, ताकि हम भी जरा देख सकें कि यहाँ पर एग्जैक्टली ऑफ बैलेंस होने की वजह उनकी हुई क्या थी. ये देख सकते हैं यहाँ पे तैयब ने शॉट खेली और आई थिंक वैसे भी आउट ऑफ रीच हो गया था, बॉल डाई कर गया था वो मोर देन कोर्ट सर्विस. आपको लगता है फेयर डिसीजन है? मुझे तो लगता है मार्क्स. या दिस वाज बिकॉज़ ऑफ द सेफ्टी रीजन द रेफरी गिव लेट, बिकॉज़ शाहजहान खान को हल्का सा खेल देना चाहिए था, काफी जगह थी उनके पास. तैयब अब क्रॉस कोर्ट ड्रॉप शॉट्स और बोस्ट शॉट्स पे रिलाय करते हुए, क्योंकि उन्हें अब इस वक्त आई थिंक समझ जिस तरह आपने बार बार कहा शाहजहान का मुकाबला नहीं कर सकते, तो उन्हें आउट स्मार्ट ही करना पड़ेगा सारे प्रोसेस में. ओह वाज अ गुड शॉट, दैट वाज अ रियली गुड शॉट फ्रॉम तैयब. वेट किया इस बॉल का और क्रॉस कोर्ट खेल दिए, खूबसूरत शॉट उसके जवाब में शाहजहान खान का निक शॉट था ये. लेकिन इन दोनों प्लेयर्स ने काफी क्लीन गेम खेल लिया है, एक दूसरे के ज्यादा रास्ते में नहीं आए. तैयब को वहां पे कैपिटलाइज करना चाहिए था. गुड ड्रॉप शॉट्स, गुड रिकवरी. और यहाँ पर आउट ऑफ बाउंड हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पे तैयब को पॉइंट मिला. यहाँ पे रिलैक्स होके ये शॉट खेला शाहजहान खान ने, लेकिन द बॉल टच द लाइन. तैयब ने फिर से लीड तो ले लिया. यहाँ पर आई होप वो कैपिटलाइज कर सकें, क्योंकि एक दफा पहले भी वो लीड में गए जरूर थे पिछली गेम में, लेकिन देन ही लेट इट स्लिप. ओ बड़ा खूबसूरत रिटर्न तैयब असलम का. और शाहजहान ने तैयब को पूरे कोर्ट पे दौड़ाया है. यहाँ पर आप देख सकते हैं खूबसूरत प्लेसमेंट, तैयब कुछ नहीं कर सके और थोड़े से मुझे लगता है थक भी गए थे बाय द टाइम दैट पॉइंट एंडेड. लेकिन दोनों प्लेयर्स को इदाद देनी पड़ेगी कि इनका एनर्जी लेवल आप देखें फ्रॉम द फर्स्ट गेम टिल नाउ, अच्छा एनर्जी लेवल है दोनों प्लेयर्स का. वाज दैट डाउन? यस दैट वाज डाउन. नहीं, दैट वाजंट डाउन. अपोलॉजीज टू द व्यूअर्स देयर. मुझे लगा कि शायद वहाँ पे डाउन कॉल हुई है, लेकिन वो जो शीशे पे लगता है, वो जो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर,
जिस तरह के कल सजाद ने आपको बताया था कि जब बॉल वहाँ पर लगता है तो वो शीशा ज़रा डिफरेंट है, तो उस पर आवाज़ उसकी एक डिफरेंट आती है, तो इट इज़ वेरी सिमिलर टू व्हेन द बॉल हिट्स डाउन। लेकिन अगेन अच्छी रिकवरी शाहजहां की, और वही वाली बात, तैयब ने फिर अपनी लीड स्लिप कर दी यहाँ पर। और एक बहुत खूबसूरत वॉल्यू ड्रॉप, क्योंकि लूज बॉल था तैयब असलम का, और अच्छी खूबसूरती से इसको बड़े अच्छे टाइमिंग के साथ खेला। क्योंकि पसीना इस वक्त दोनों प्लेयर्स को बहुत ज्यादा आ रहा है, जिस वजह से कोर्ट सर्विस लेनी पड़ती है। ओ, एक खूबसूरत बैक टू बैक पॉइंट्स लिए हैं शाहजहां खान ने। एक और निक शॉट खेला सेंटर कोर्ट से शाहजहां खान ने, टोटली गेम को एक कंट्रोल किया हुआ इस वक्त। और ये एक और आउट। बैक वॉल से खेलना चाहते थे क्योंकि बॉल निकल गया था उनकी रीच से शाहजहां खान ने। और 5-7 फोर्थ गेम का स्कोर। ये देखें आप रिप्ले में, बैक वॉल खेलना चाहते थे लेकिन बॉल ऑडियंस के पास आ गया। जहान मुकम्मल तौर पर इस वक्त इस रैली को कंट्रोल करते हुए, इस गेम को कंट्रोल करते हुए, इस मैच को कंट्रोल करते हुए। और यहां पर अनफोर्स्ड एरर में, मतलब तैयब काफी दफा लकी रहे हैं इस तरह। बिल्कुल अच्छी, लेकिन एफर्ट आप देखें, बहुत ज्यादा एफर्ट है, काफी मूव करवाया शाहजहां खान ने तैयब को, लेकिन उन्होंने बिल्कुल गिव अप नहीं किया और जहां भी बॉल गया उसको अच्छे फुल एनर्जी के साथ और फुल स्ट्रेच के साथ रिटर्न किया। Just left. अच्छी शॉट खेली थी तैयब ने, थोड़ा सा अगर क्लियर हो जाते तो एक कंफर्म पॉइंट था तैयब का, लेकिन ये लेट था मुझे तो लगता है बॉल में बाउंस था, तो जिसकी वजह से रेफरी ने लेट दिया। नहीं, लेकिन आई थिंक फ्रंट कोर्ट में काफी हद तक डीप शॉट ऑलरेडी खेली जा चुकी थी, वो क्लियर एक्सेस नहीं था शाहजहां खान के पास। सेवन ऑल। एकदम से आपके बाउंस को फर्क पड़ता है जब आप उस शीशे को हिट करते हैं, या आप बिल्कुल इसी जगह पर हिट हुआ है। अगेन अमेजिंग वर्क बाय द कैमरा पीपल देयर, द कैमरामैन देयर। और बहुत खूबसूरत शॉट थी ये वाली, मेरा मतलब शॉट का कैमरा शॉट था ये, इस स्ट्रोक का, जिससे आपको अंदाज़ा होता है कि एकदम से इसे हिट करने के बाद बाउंस भी अनइवन हो जाता है, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते एक फ्लो में जब मोमेंटम में रैली चल रही हो। नो लेट, लेकिन शाहजहां का बस चले तो उसे घर तक लेकर जाएं। 8-7 इन फेवर ऑफ तैयब असलम। नहीं, बॉल पर नहीं गए उन्होंने, तैयब असलम के पीछे ही खड़े हो गए और एक अच्छा एटीट्यूड शो किया फ्रॉम द बोथ प्लेयर्स। एक बहुत अच्छी स्पिरिट में ये वाला मैच हुआ है, जितना हमने आई थिंक एक्सपेक्ट किया था। एक बहुत अच्छी ये ट्रिपल बोस, ये बिल्कुल बोस खेली, अच्छी बोस थी फ्रंट कोर्ट से।
बहुत ही खूबसूरत वॉली ड्रॉप तैयब असलम का, और ये कंफर्म पॉइंट था, लेकिन बड़ी अच्छी एफर्ट शाहजहान खान की। दिस वाज अ गुड रैली, एक बहुत ही एथलेटिक और अच्छी रैली हमें देखने को मिली। तैयब एक बार फिर लीड में है और अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके पास ये गेम जीत कर आखिरी गेम में मैच को पुश करने की, लेकिन विल ही बी एबल टू सर्वाइव दिस टाइम अराउंड। अभी तक अनफोर्स्ड एरर्स की वजह से या फिर कुछ मौक़ों पर शाहजहां ने बहुत खूबसूरत पॉइंट्स क्रूशल मौक़ों पर जीत कर तैयब को कैपिटलाइज नहीं करने दिया उनकी लीड पर। तैयब को इस वक्त बहुत स्ट्रगल करनी पड़ रही है, काफ़ी दूर दूर तक भागना पड़ रहा है, और शाहजहां खान इस वक्त सेंटर कोर्ट में बड़े स्टेबल है, और ये एक अच्छा मौका मिला तैयब असलम को। थोड़ा सा डिले किया बॉल को और अच्छी क्रॉस कोर्ट खेली तैयब असलम ने। नेक्स्ट टाइम आई डोंट वांट टू सी दैट यू आर टेकिंग द एक्सेस ऑफ योर राइट हैंड, नो आई एम टेलिंग यू, आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू, आई विल गिव यू लास्ट वार्निंग, अदर नेक्स्ट टाइम आई विल अप्लाई द कोड ऑफ कंडक्ट। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करें या फिर हुआ कि तैयब ने थोड़ा सा ब्लॉक किया ओपोनेंट के रास्ते में आए, तो रेफरी उनको वार्निंग दी, वर्बली वार्निंग कि अगर नेक्स्ट टाइम आपने उनको डायरेक्ट एक्सेस ब्लॉक किया तो कोड ऑफ कंडक्ट गोइंग टू अप्लाई ऑन तैयब असलम। ये अगर हम रीप्ले देख लें तो हम ज़रा बेहतर पता चल जाएगा यहाँ पर। 10-8 गेम बॉल है इस वक्त तैयब असलम की, लेकिन I don't think there was a block. थोड़ी सी बॉडी को खोला तैयब असलम ने, और लेकिन शॉट इनकी किस्मत अच्छी कि वो शॉट बहुत बहुत अच्छी अच्छी जगह पे पड़ गया, जिसकी वजह से ये पॉइंट इनको मिल गया। और दो गेम बॉल्स के साथ तैयब, और इसके साथ तैयब अपनी गेम जीतने में कामयाब। ये दिलचस्प मुकाबला नाउ विल गो इनटू द फाइनल गेम वेयर टू गेम्स ऑल बिटवीन शाहजहां खान एंड तैयब असलम। बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला आपको देखने को मिल रहा है, एक बहुत ही एथलेटिक गेम देखने को मिल रही है आपको, एक बहुत दिलचस्प रेंज ऑफ शॉट्स देखने को मिल रहा है, और सबसे खास बात दोनों खिलाड़ियों की जिस तरीके से कोर्ट कवरेज है दैट इज़ एक्सेप्शनल। आपके सामने स्कोर कार्ड 12-10 in favor of Shahjahan, and then Tayyab won 11-7. Shahjahan won again 12-10, and then Tayyab has come back in the game with 11-8. Two games all. We are now going into the final game. 22 आप देख रहे हैं तमाम तर एक्शन ऑन ए स्पोर्ट्स, पाकिस्तान का पहला HD चैनल, और बहुत ही दिलचस्प मुकाबला हुआ है। हम जरा थोड़ी सी पिछली गेम की झलकियां देखें, ये लास्ट पॉइंट्स के आप देख सकते हैं, ये यहां पर पहली एक ऑब्स्ट्रक्शन वाला एक एलिमेंट जरूर हुआ था, और यहां पर तैयब की शॉट जिस पर उन्हें वार्निंग मिली ब्लॉकिंग पर, लेकिन दिस वाज द पॉइंट व्हिच लेवल्ड द गेम। नाउ वी लव ऑल एंड इन द फाइनल गेम नथिंग कुड हैव बीन बेटर देन दिस गेम एज फार एज द परफेक्ट एडवर्टाइजमेंट फॉर स्क्वॉश इज कंसर्न्ड। लव ऑल, और इसके साथ तैयब ने पहला ही बोस शॉट के साथ स्टार्ट किया है और पहला ही पॉइंट लेने में कामयाब। जैसे मुझे पता है कि हमने इस वाली बात का जिक्र तो जरूर किया था कि फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगी, एंड ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, व्हाई शुडंट इट काउंट एज फार एज सच गेम्स आर कंसर्न्ड। लेकिन दोनों खिलाड़ियों ने जब आगाज किया इस फिफ्थ गेम का, तो दोनों के इस वक्त टैंक में लग रहा है कि काफ़ी कुछ है, सो इट देर नॉट कम्प्लीटली फिटिंग आउट अभी तक। बिल्कुल ऐसा ही है, अब जिस तरह गेम पाँचवें गेम में ये मैच आ गया है, तो अब काफ़ी टेंस सिचुएशन होगी बार भी, और ये बैक टू बैक 4-1 तीन पॉइंट मिले शाहजहां खान को। थोड़ा सा स्लो हो गए हैं तैयब असलम, या तैयब स्लो गए यहाँ पर इस वक्त। शाहजहां ने एकदम से कैपिटलाइज किया कि शायद तैयब सेटल इन अभी नहीं हो रहे थे इस गेम में, और अभी से ही शाहजहां 5-1 की लीड। इस वक्त दिस इज नाउ हिज गेम एंड हिज मैच टू लूज, और ये तैयब
एक एक्स्ट्रावेगेंट शॉट के चक्कर में काफी रुक जाना चाहिए था इस बॉल पर, ये डेंजरस हो सकता था। ये तैयब असलम का ये शॉट टर्न हुए इस बॉल पर, विच इज नॉट अलाउड इन द स्क्वॉश रूल्स। ओह बड़ा अच्छा शॉट, थोड़ा सा स्पीड लाए अपनी शॉट्स में। बड़े अनलकी रहे, बॉल वाज डेड इन द बैक कोर्ट। दो तीन दफा ऐसा हुआ है और बड़े क्रूशियल पॉइंट्स पर ऐसा है। शाहजहां इज वेरी मच ऑन द ड्राइविंग सीट इन द फिफ्थ गेम, 8-2। उन्होंने मुकम्मल तौर पर अपने अपोनेंट पर हावी, शाहजहां खान। लेकिन अच्छी ड्रॉप शॉट ये आपके सामने स्क्रीन पर, द लेजेंडरी जहांगीर खान हेयर और जरा खान साहब के साथ इस वक्त गुफ्तगु करते हुए। एक अच्छी रैली, बहुत ही खूबसूरत ड्रॉप शॉट, खूबसूरत बहुत ही, और ये इतनी अच्छी शॉट थी कि इवन शाहजहां स्टॉप्ड इन द मिडल टू अपलॉड इट, और परफेक्ट एंगल फॉर यू टू सी दैट शॉट। आप देख सकते हैं कि शाहजहां ने ये मैच एक अच्छी स्पिरिट में हुआ है, बिल्कुल बहुत अच्छी 5 गेम का मैच। मुझे तो इस वक्त स्क्रीन पर देखकर लग रहा है कि अभी जहांगीर खान साहब अभी भी रैकेट पकड़ कर कोर्ट में उतर सकते हैं। बिल्कुल जहांगीर खान जिस स्पीड से खेलते थे शायद ये स्पीड इन्हें कुछ ना लगे। ओह डियर द बॉल वाज केम ऑन तैयब असलम एंड इट वाज अ स्ट्रोक, बिल्कुल निकल नहीं सके इस बॉल की रेंज से, और शाहजहां वॉज राइट बिहाइंड हिम। और इसके साथ शाहजहां खान विथ 5 गेम बॉल्स, मुझे पता है अनफोर्स्ड मैच पॉइंट, सॉरी मैच पॉइंट, थैंक यू सो मच फॉर करेक्टिंग मी देयर सिजाद। ब्रिलियंट एफर्ट फ्रॉम तैयब असलम, और एक बहुत खूबसूरत रैली के बाद, एक बहुत दिलचस्प और खूबसूरत मैच के बाद, शाहजहां खान हैज डिफीटेड तैयब असलम टू सिक्योर अ पोजीशन इन द क्वार्टर फाइनल। शाहजहां खान आखिरी गेम 11-5 से जीत कर ये मैच जीत गए। बहुत ही दिलचस्प मुकाबला, कमिसरेशंस फॉर तैयब असलम, लेकिन तैयब ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी, बहुत ही अच्छी फाइट की, और आपके सामने इस वक्त कोर्ट में शाहजहां खान। थोड़ी सी हम हाइलाइट्स देखते हैं फ्रॉम दिस, ये विनिंग शॉट है, बहुत ही खूबसूरत रैली, और डीप कोर्ट में जाकर तैयब ने कोशिश की, तैयब वॉज ऑलवेज ऑन द डिफेंसिव। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर नीचे
Shahjahan Khan meeting with his father, meeting with the legend that is Jahangir Khan and hugging him. And now this time, Shahjahan, ये फाइनल स्कोर की कॉन्फर्मेशन शाहजहान खान द यूएसए रैंक नंबर वन प्लेयर डिफीट सैयब असलम 12-10 7-11 12-10 8-11 एंड 11-5